हमारे साथ पुष्पेंद्र जी हैं और पुष्पेंद्र जी को मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ, हालांकि किसी ने मुझसे पूछा है फिर भी इसको मैंने एक्सेल में तो सॉल्व कर दिया है बट इसको वीबीए में सॉल्व करना है, ठीक है। तो चैलेंज ये है कि ए कंडीशंस है और ए रहा स्कोर, ठीक है। स्कोर यहाँ में यहाँ स्कोर रहा, तो ये देखिए 42% है ना सर, तो 42% इस लाइन में है ना, तो यहाँ पे 3 है। फिर मेट टू यहाँ इसमें है तो ये आएगा 4। उसके बाद ये आता 30%, तो 30% इसमें है लेस देन 60% 1 आएगा, यहाँ आना है 1, ठीक है। स्वैप 0 है तो 0 मतलब कि 5, ब्लैंक पर 0 भी दिखना है, ब्लैंक होगा तो कुछ नहीं देना, नथिंग। तो ये आपका स्वैप 5 है तो यहाँ पे 5 देना है। और फिर ये आपका शिफ्ट ए जो है 20% है तो 20% में आपका 1 है तो ये आपका 1 देना है। और ये आपका जो है ब्रांच में ये आपका क्या है, ये है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सी में 2 है तो इसमें आपको 1 देना है। अब कल के डेट में कोई स्कोर चेंज होता है, जैसे मान लीजिए 20% के जगह पे मैं कर देता हूँ 84%, 84% किसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है, आता ना सर, इसका स्कोर कितना है 4 है तो यहाँ पे हमें 4 देना है, राइट। मैट 2 के जगह पे मान लीजिए मैट 1 हो जाता है तो इसमें क्या देना है, ये आपका 4 के जगह 3 हो जाएगा। तो ऐसे स्कोर चेंज होते रहेगा, समझ में आ गया। लेकिन मुझे ये स्कोर नहीं देना है, स्कोर का परसेंटेज देना है जो कि ऊपर दिया हुआ है। तो सी सेट हमें देना है स्कोर का 35%, इसको मल्टीप्लाई बाय 35% हो जाएगा, राइट सर। ये आपका 20% है तो ए मल्टीप्लाई बाय 20% हो जाएगा। उसके बाद आपका ये इसमें एनएम 19% है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 19% हो जाएगा। स्वेप आपका 10% तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 10% कर दिया। और 84 आपका है 84 जो है आपका मतलब कि शिफ्ट ए कितना है 10% है स्कोर का, तो स्कोर का ये 10% होगा। और शिफ्ट 2 ये आपका 6% है तो ये 6% होगा। और फिर इन सबों का सम होगा, यहाँ जो फाइनल रिजल्ट आएगा ये आएगा 2.95। जैसे ही ये यहाँ पे कंडीशन चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कोर चेंज होगा, और जैसे स्कोर चेंज होगा यहाँ पे उसके पॉइंट चेंज होंगे और सम चेंज होगा। अब हालांकि इसके लिए मैंने अलग अलग कंडीशन दी, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन दिया होगा, राइट। यहाँ पे मैं देखिए इफ मैच का भी लगाया इसमें, फिर इसमें भी मैं इफ कंडीशन दूंगा, फिर इसमें भी इफ कंडीशन दूंगा मैं, फिर यहाँ पे जीरो ब्लैंक को आइडेंटिफाई करने के लिए जैक लगाया मैंने, राइट। तो ये सब करना है, तो आपको ऐसा करना है कि स्कोर पे एक बटन होगा, जस्ट वो बटन पे क्लिक करेगा कैलकुलेट, और यहाँ पे इस तरह से मर्ज है सर, इस तरह से मर्ज होके पूरा स्कोर आ जाएगा। ये स्कोर नहीं चाहिए, इसको पूरा ये फाइनल चाहिए, ये हिरन में होना चाहिए। आया आपको सर? ठीक है सर। समझ में आया या फिर ऐसे ही ठीक कर रहा है? समझ में तो आया। क्या इसके अकॉर्डिंग ना कि भाई हाँ कंडीशन होगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका स्कोर देना है और फिर उसके और पे इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज निकालना है, फिर सबको सम कर देना। तो कंडीशन तुम्हारा ये होगा ना, इसमें जो दिए आपने इसमें ये कंडीशन आएगा ना, इसमें तो सर्च करेगा ये। नहीं, सर्च नहीं करना है, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है,
यहाँ पे देगा तो चेक करेगा कि कंडीशंस कैसा है, तो ये तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए रखा गया, ये रहेगा नहीं, ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा ये तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ठीक है ना। तो इसको जो है आप इस पे एक्सेल पे बना ले अच्छे तरीके से, एक अच्छा तरीके से बना लो, ठीक है। तो आप बटन पे क्लिक करके भी बना सकते हो, फंक्शन के थ्रू भी बना सकते हो, यूजर फॉर्म के थ्रू भी बना सकते हो, लेकिन मैं फंक्शन यूजर को रिकमेंड नहीं करूंगा, बोला कि बटन, जिस सिंपल सा बटन बना दीजिए और यहाँ पे कैलकुलेट हो गया जाए।